वेलकम वेलकम वेलकम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए मैं विकास मनोत आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर ले चलता हूं। नमस्कार दोस्तों, होप यू आर फाइन। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया एपिसोड लेके, और इस शो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस शो का एक छोटा सा इंट्रो दे दें उनके लिए जिन्होंने पहली बार ट्यून किया होगा इस शो को सुनने के लिए। So, for the benefit of those first time join us, here's a quick intro of Point of View. Point of View is a show which is about issues that are currently hogging the limelight, or issues or subjects in which people are interested. Or Point of View ko aap sun sakte hain har guruvar रात 8 बजे और शुक्रवार दोपहर 3 बजे। अगर आप चाहें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक इस शो में इंक्लूड हो तो आप मुझे इंटीमेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल और मैसेज और इवन कॉल। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे, वी कैन डू इवन दैट। व्हाट एवर इट इज, लेट मी नो थ्रू द मीडियम्स that I just mentioned, और मेरा email ID और phone number मैं आपको देने जा रहा हूँ, please note it। My email ID is vikas.munoth@yahoo.com, V-I-K-A-S vikas.munoth, M for Mumbai, U for Uttar Pradesh, N for Nagaland, O for Uti and T for Tamil Nadu, vikas.munoth@yahoo.com, and my mobile number is 9840478204. I repeat, 9840478204। और आप इन मीडियम्स को यूज करके अपना फीडबैक, अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म्स, कंप्लेंट, जो भी कुछ कहना है शो के बारे में, आप बेझिझक कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट I am receiving lot of feedback from you, and this is something that keeps me motivated and keeps me going. So keep doing your part of the bit, I'll fulfill my part of the bit and start the show which I promised in the beginning. But before doing that, let us quickly have a musical break. So let's break the monotony and shake a leg with this wonderful, wonderful Bollywood number. Stay tuned to Radio Udaan, a flight of life. छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।
बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। छुपाते हैं जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मोहब्बत कैसे करते हैं कोई तो हमको समझाए, मोहब्बत कैसे करते हैं कोई तो हमको समझाए। कहीं ऐसा न हो के प्यार दिन कट जाए, प्यार बिन उम्र कट जाए, तुमसे मिलने का कोई बहाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, हे चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं। हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते, जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ विकास मनोज। दोस्तों आजकल हम जब न्यूज देखते हैं तो एक पैटर्न सा बन गया है। आप न्यूज़पेपर खोलो, टीवी ऑन करो, रेडियो सुनो, कुछ भी करो, एक न्यूज में एक पैटर्न है। पॉलिटिक्स में उथल पुथल कई राज्यों में, सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो एकदम स्टेबल चल रही है। जहाँ स्टेबल है वहाँ स्टेबल है, और जहाँ उठापटक है वो उठापटक जारी है। और स्पोर्ट्स जनरली आजकल हमें अच्छी न्यूज मिल रही है, मगर एक एरिया वहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज मिल रही है। मुझे उसी का अफसोस है और हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। इंडिया, हम बहुत प्राउडली कहते हैं इट्स अ नेशन वेयर वी फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चर्स स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस फॉलोइंग वेरियस कस्टम्स एंड फूड हैबिट्स, येट वी हैव वन कॉमन पावरफुल आइडेंटिटी एंड दैट इज वी आर इंडियंस। कई कई चीजों में ये होता है कि हम बहुत बिलीव करते हैं कुछ चीजों में, कुछ संस्थाओं में, कुछ लोगों में, पर्टिकुलरली हमारे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ की मैं बात कर रहा हूं। हम बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं एंड वी डू एनीथिंग टू मेक श्योर दैट वी फॉलो आवर कस्टम और आवर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। मगर जब उन लीडर्स के ऊपर कुछ ऐसे दाग धब्बे लग जाएं, तो फिर दिल को बहुत तकलीफ होती है। और जो अपनी जान तक निछावर कर जाते हैं, अपना घर बार परिवार सब कुछ निछावर करके उन स्पिरिचुअल लीडर्स की जब सेवा करते हैं और फिर पता चलता है कि वो ढोंगी या पाखंडी निकला, तो फिर लोगों के दिल पे क्या बीतती है, ये मुझे थोड़ा विचलित करती है ये बात। इट इज अ डिफरेंट मैटर, वो जो गलती करता है उसको सजा मिलती है, वो जेल जाता है, केस होता है, उसका तो ठीक है, जो उसने किया उसका उसने भुगत लिया, मगर लोगों का क्या? पीपल हु ब्लाइंडली ट्रस्टेड देम, पीपल हु गिव एवरीथिंग, पीपल हु सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू सेटिस्फाई दोस सो कॉल्ड गुरुज बाबास और लीडर्स वॉट एवर, उनके दिल की हालत या उनका विश्वास जो था उसका क्या हुआ? Would they be able to ever recover again? Would they be able to repose their faith in somebody else or some other cult or practice or religious practice something ever again? This is something that haunts me. Especially कुछ दिन पहले बहुत ही हाई प्रोफाइल एक केस का वर्डिक्ट आया था गुरमीत राम रहीम, तो मुझे लगा कि कितने ऐसे पाखंडी बाबा होंगे, क्योंकि ये पहला नाम हमने नहीं सुना है जिन्होंने कुछ गलती की है और उनको सजा हुई है। वी हैव हर्ड लॉट मेनी अदर्स एज वेल बिफोर दिस, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सर्च करें उसके ऊपर, थोड़ी रिसर्च करें, देखें कि कितने हैं लोग जिन्होंने जनताओं को बेवकूफ बनाया है, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। एंड द रिजल्ट्स वर क्वाइट शॉकिंग। मुझे लगा इसके ऊपर एक शो करेंगे और सबको इंक्लूड करेंगे, सबके बारे में कुछ बताएंगे, बट दोस्तों बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कर पाया, बिकॉज द लिस्ट वॉज सिंपली टू लॉन्ग टू कंसिडर। तो मैंने सोचा चलो शुरू कर ही लिया है काम, दिल में एक कसक है, एक दर्द है थोड़ा, तो उसको शेयर करना है, तो व्हाई नॉट एटलीस्ट टेक सम 5 or 6 पीपल हु रियली हैव हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल पीपल। तो आज के शो में ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने धर्म के नाम पे लोगों के साथ ठगी की है, उनका दिल तोड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उन औरतों की इज्जत के साथ, लोगों के धन के साथ खिलवाड़ किया है। वी विल बी बैक विथ द फर्स्ट
culprit. Before that, let us go for a quick break. Stay tuned to Radio Udaan, a flight of life. Tired of reading? Me, RJ Nisha, is here with the show Book World, where I will explain your favorite novels, stuff with emotions, and will enlarge your world. So be with me every Wednesday, 8 to 9 p.m. and re-webcast every Thursday, 3 to 4 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Drishti Divyang Jan ke sapno ko deta pankh. मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, 116 राजपुर रोड, देहरादून। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के। ओ जा धीरे जाए राहे, हम संग है। ना जा कहीं अब ना जा, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, तेरे बिना नहीं जीना, मर जाना ढोलना। डान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू विकास मुनोद के साथ। तो प्लीज कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान एंड स्पेशली डोंट मिस आवर उड़ान आइडल, वन ऑफ इट्स काइंड रियलिटी singing competition for the disabled every Saturday. So दोस्तों, मैं बात कर रहा था उन गद्दारों की जिन्होंने धर्म के नाम पे इंसानों के साथ खिलवाड़ किया है, धर्म के नाम पे आई मीन। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है प्रेमानंदा, स्वामी प्रेमानंदा। तो स्वामी प्रेमानंदा साउथ इंडिया में एक शहर है त्रिची, त्रिची के पास उन्होंने अपना आश्रम शुरू किया और वहां से वो अपना जो भी काम है वो करते थे। मगर प्रेमानंदा एक्चुअली है कौन? प्रेमानंदा बिलोंग्स टू श्रीलंका, वेयर ही हैड एन आश्रम, एंड 1983 में जब वहां एथनिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जब श्रीलंकन और श्रीलंकन तमिलियंस के बीच में जो वॉर बहुत लंबी चली थी, उसका जो आगाज हुआ था 1980s में, तब वहां से जान बचा के प्रेमानंदा उर्फ प्रेम उर्फ रवि नाम का ये शख्स भारत आया था। वहां एक छोटा सा घर किराए पे लेके वो बहुत ही तेज तरीके से लोगों को ये कहता था कि यस आई कैन परफॉर्म मिरेकल, आई कैन फोरटेल योर फ्यूचर, तुम कैसे रहने वाले हो, क्या करने वाले हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, सब कुछ मैं बता सकता हूँ, ऐसा कह के लोगों को उन्होंने उल्लू बनाया। और सुबह सुबह रोज लोग आते थे उनका सत्संग सुनने के लिए, और कुछ दिन बाद वहां पे भीड़ इतनी बढ़ गई
कि उन्होंने डोनेशन वो मतलब उस भीड़ ने जो भी डोनेशन दिया, क्योंकि उस भीड़ में बहुत भी हाई प्रोफाइल लोग भी आते थे, स्मगलर्स, डॉन्स, पॉलिटिशियंस, सब कुछ, सब लोग आते थे, तो जाहिर है वो डोनेशन देते होंगे. तो उनका डोनेशन जो है वो इतना बढ़ गया कि ही वॉज एबल टू परचेज अ 150 acre आश्रम नियर पुदुकोटे. पुदुकोटे एक और शहर है, तो पुदुकोटे के पास उन्होंने एक 150 acre का एक आश्रम खरीद लिया, एक कैंपस खरीदा और उसको आश्रम में तब्दील कर लिया. और फिर उन्होंने छोटे छोटे कॉटेजेस बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इनकी अपरंपार महिमा को देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, इवन फ्रांस जर्मनी से लोग आने लगे. और हमारी जो साइकोलॉजी है वो ये है, हमारी साइकी जो ये है कि अगर फॉरेनर्स कुछ करते हैं तो हाँ वो अच्छा ही होगा, अगर फॉरेनर्स कहीं जाते हैं तो वो अच्छा ही होगा, फॉरेनर्स कुछ कंज्यूम करते हैं तो वो अच्छा ही होगा. हमारा ये फॉरेन लोगों और फॉरेन चीजों की प्रति मोह, इस मोह को उन्होंने खूब बुनाया और बहुत सारे फॉरेनर्स जैसे आने लगे तो लोकल्स भी बहुत जाने लगे, क्योंकि फॉरेनर्स जा रहे हैं तो फिर सच में कुछ काबिलियत तो होगी, ऐसा ही लोगों का मानना था. तो फिर छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए फॉरेनर्स के लिए, उनके रहने के लिए. फिर स्कूल्स बनाए, कह रहे थे कि हाँ हम गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, ये वो सब करेंगे. तो फिर धीरे धीरे उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी और जब 1991 में AIADMK की गवर्नमेंट आई तो इवन थोड़े मिनिस्टर्स भी इन बाबा के पास, दैट इज स्वामी प्रेमानंदा के पास जाते थे. तो पॉपुलैरिटी बस बढ़ती गई. एक बार CPM के विमेन विंग की मदद से वहां की इनमेट्स, वहां के स्कूल हॉस्टल्स में जहां भी रहती महिला रहती थी महिलाएं, तो एक दो महिलाएं बचने में कामयाब हो गई. अब जब वो बाहर निकली तो बहुत सारी चीजें सामने आई कि वो वहां पे महिलाओं का यौन शोषण करते थे और कुछ लोग तो, कुछ लड़कियां तो प्रेग्नेंट भी हो गई थी. तो ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगे और बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था, मतलब पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत सारे एक्टिविस्ट और एक्टिविस्ट ग्रुप का बहुत प्रेशर था कि फिर स्वामी प्रेमानंदा को नवंबर में, दैट इज 1994 में अरेस्ट करना पड़ा. एंड ही वॉज अरेस्टेड और सब्सिक्वेंटली सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ने उनको 2 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस अवार्ड किए, दैट इज 16+16 के 2 सेंटेंसेस. उससे ज्यादा कड़ी सजा नहीं हो सकती थी, प्रावधान उतना ही था, तो वो सजा दी. और उन्होंने राम जेठमलानी जैसे बड़े लॉयर को भी हायर किया था, फिर भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि पहले एक लड़की का जो अबॉर्शन हुआ था उसका वो फीटस का DNA सैंपल इंडिया में करवाया गया और उसमें ये पाया कि हाँ स्वामी प्रेमानंदा ही है दोषी. मगर उनके लॉयर जो जेठमलानी है उन्होंने कहा नहीं आप लंदन भेजिए. तो लंदन में जो उस सैंपल को भेजा तो लंदन में कहा कि नहीं ये उनका नहीं है. फिर भी जस्टिस भानुमति जिन्होंने ये वर्डिक दिया वो टच से मत नहीं हुई. तो उन्होंने इस लंदन वाले तर्क को दरकिनार करते हुए अपना जो स्टेटमेंट और जजमेंट है उसे मेंटेन रखा. और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2004-05 उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा. तो आज वो अभी जेल में है स्वामी प्रेमानंदा. We will be back after a very wonderful song. Stay tuned to Radio Udaan. Let's break the monotony and shake a leg with this wonderful song. Stay tuned, Radio Udaan, a flight of life. Oh,
वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाखंडी सो कॉल्ड गॉडमैन के बारे में। तो हमने पहले बात की स्वामी प्रेमानंदा। तो बहुत सारे लोग प्रेमानंदा को नहीं जानते होंगे, मगर अब मैं शख्सियत जो पेश करने जा रहा हूं उससे आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एनी गेस? पता नहीं क्या गेस कर रहे हैं आप, क्योंकि वी आर प्रेजेंटिंग दिस शो ऑन द रेडियो, मगर एक दो तो शायद करेक्ट ही होंगे। द नेक्स्ट पर्सन हु हैज हर्ट द रिलीजियस फीलिंग बाय फ्रॉड एंड अदर मीन्स इज नन अदर देन द ओनली वुमन इन दिस स्पेशल कैटेगरी। एनी गेस नाउ? यस करेक्ट, हम बात कर रहे हैं राधे मां की। सुखविंदर कौर, जिन्होंने गुरदासपुर के पास एक छोटे से गांव में जन्म लिया और चौथी क्लास तक पढ़ाई की, 17 साल की उम्र में शादी हो गई और 23 साल की उम्र में जब उनके हस्बैंड अब्रॉड चले गए तो उनको जीवन में खालीपन लग रहा था, तो उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाते हुए महंत रामदीन दास की शिष्या बन गई और उन्होंने इनको ये टाइटल दिया राधे मां। उसके बाद वो अपने आप को मां दुर्गा का अवतार बताने लगी, जिससे वहां के लोकल लोग खुश नहीं थे, तो उनको परेशानी हो रही थी, तो इसलिए राधे मां या सुखविंदर उन्होंने अपना बेस मुंबई की बोरीवली में शिफ्ट कर दिया। देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए और फॉलोअर्स भी ऐसे कि एक से बढ़कर एक नाम कि हम और आप चौंक जाए। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स सच एस मनोज तिवारी, सुभाष घई और रवि किशन, इवन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, डॉली बिंद्रा, बहुत सारे लोग, आप एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे लोग उनके साथ जुड़ते गए और इनको मिलने के लिए भी लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। इसके लिए उनके दो चेले थे, ताली बाबा और छोटी माँ। तो ताली बाबा है जो लोगों को एग्जामिन करते थे कि यस वेदर दिस पर्सन इज फिट टू मीट राधे माँ आर नॉट, उसके बाद छोटी माँ के पास भेजते थे और छोटी माँ वो मिलने की व्यवस्था पूरी अरेंज करती थी। तो इनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्जाम लगे। एक केस था कि एक 32 वर्षीय महिला ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले हैं जो राधे माँ के फॉलोअर्स हैं और राधे माँ के कहने पे इस महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये केस उनके ऊपर चला, मतलब ये केस उनके ऊपर फाइल है, FIR दर्ज है, सब कुछ चल रहा है। और दूसरा एलिगेशन के ऊपर ये है, डॉली बिंद्रा जो फेमस टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने इनके ऊपर ये लगाया कि राधे माँ ऑफन यूज्ड टू अरेंज सेक्स पार्टी और राधे माँ के कई फॉलोअर्स, कई डिवोटीज ने इनको सेक्सुअली हैरास किया है, ऐसा उनका एलिगेशन है। और कासो ये भी जाता है कि राधे माँ इसे सनी लियोन फैन, अगर हम और आप सनी लियोन के फैन हैं तो समझ में आ रहा है, एक स्पिरिचुअल धर्मात्मा या धर्म की बात बताने वाली एक महिला कह रही है सनी लियोन, जो कि एक पॉर्न स्टार रह चुकी है, ऑल ऑफ अस नो दैट, तो सनी लियोन की फैन है। और इनका वीडियो भी एक बार आ चुका है जहाँ पे ये एक सनी लियोन के सॉन्ग पे डांस करती हुई आपको नजर आएंगी। तो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, इनके गहने, इनका लिबास, सब कुछ बहुत हाई प्रोफाइल एकदम। तो ये भी एक है। और अब एक और एलिगेशन के ऊपर यह है, एक बिजनेसमैन है सुरेंद्र मित्तल नाम से, तो उन्होंने इनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि राधे मां ने इनको सेड्यूस करने की बहुत कोशिश की और इन्होंने पहले इनको सचमुच में एक धर्मगुरु के तौर पे देखा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये इनको सेड्यूस करेंगी और जब ये नहीं माने तो फिर
उनको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा गया था। इवन वो जब कंप्लेन की सुरेंद्र मित्तल ने, तब भी उनको बहुत धमकियां मिल रही थी कि अपना मुंह बंद रखो। तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ये गॉड वुमन है राधे माँ। एंड द नेक्स्ट वन इन अवर लिस्ट इज आसाराम बापू। आसाराम बापू समवन हु वाज वेरी फेमस इन द अर्ली 2000s। टीवी पे रोज आते थे, बहुत धीरे धीरे अपना वो प्रवचन सुनाते थे और लोग उनकी दवाइयां भी बहुत लेते थे, बापू आसाराम की सुझाई हुई दवाएं, आयुर्वेद भी वो सब कुछ। और लॉट ऑफ पीपल बिलीव हिम, बहुत मात्रा में। रामदेव बाबा थोड़े दिन पहले, उसके बाद एक्चुअली पॉपुलर हुए, उससे भी पहले बापू आसाराम, आसाराम बापू बहुत पॉपुलर हुए। तो और लोग इनकी स्कूल्स में पढ़ते थे, आश्रम में बच्चे आसाराम बापू के आश्रम में पढ़ते थे। मगर एक्चुअली आसाराम बापू एक रिक्शा पुलर थे, रिक्शा पुलर। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है तो क्या करें, ऐसा सोच के फिर थोड़ा थोड़ा अपना स्टाइल बदला, थोड़ा प्रवचन ये वो सब सुना के अपनी पेट बढ़ाई। और जब इनका थोड़ा दबदबा कायम हो गया तो फिर उन्होंने आश्रम खोल लिया अहमदाबाद में। और हम सबको पता है 2014 में जब दो बच्चे आश्रम के बहुत संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए और उनके अंग अंग सब कटे हुए मिले दूसरे दिन, फर्स्ट डे दे वर रिपोर्टेड मिसिंग एंड सेकेंड डे देयर म्यूटिलेटेड बॉडीज वर फाउंड। तो फिर साबरमती जो नदी का किनारा, वहां पे उनकी म्यूटिलेटेड बॉडी पार्ट्स मिले। तो तब से ये हुआ कि लोग वो कहने लगे कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं ये वो, बस तब से उनका डाउनफॉल है स्टार्ट हो गया। फिर हम सबको पता है जो नाबालिग लड़की है उसने कंप्लेन की कि उन्होंने अपनी जो वो रूम है, कुतिया है, जो वो जो भी बोलते हैं, उसमें उसको बुला के उसके साथ यौन शोषण किया, दुष्कर्म किया। और उसके बाद उनको और उनके बेटे नारायण साई, वो तो फिर बाप एक नंबरी तो बेटा दस नंबरी जैसे कहते हैं, तो नारायण साई ने भी बहुत सारी महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया सेक्सुअली और उसके ऊपर भी केस चला। तो अब बाप और बेटा दोनों बंद हैं, दोनों के ऊपर केसेस वगैरह चले, दोनों अरेस्ट हैं। और इसमें कहने वाली ये बात है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बापू आसाराम बापू के खिलाफ जुबान खोलने की कोशिश की, उनको मौत के घाट उतारा गया। इवन बाबा के जेल जाने के बाद भी एक दो लोगों को गोली मार दी गई। तो दिस नोटोरियस बाबा इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉरनर्स इन द लिस्ट ऑफ ऑल दोज सिनर्स हु कमिटेड सिन इन द नेम ऑफ गॉड। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये जमीन देख रहे हो, हम इस पर अपना होटल बनाएंगे। पर साहिब ये हरे भरे पेड़। अरे इन्हें काट के हटा दो, ये किसी भी काम के नहीं है हमारे। नहीं नहीं साहब, ऐसा जुलूम मत करो साहब। साहब इन पेड़ों को मत काटो साहब। अरे क्यों नहीं काटे, इनको काटेंगे तभी तो हमारा होटल बनेगा और हम लाखों का फायदा कमा सकते हैं। सुनो साहब, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे साहब, पर पेड़ों को न काटो साहब। अरे तुम क्या हमें बताओगे, क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं साहब, ये पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं साहब। साहब इन्हें न काटो साहब। ठीक है, पर ऐसा क्या है इन पेड़ों में जो तुम हमें पेड़ काटने से रोक रहे, जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। जरा सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होते तो हमें ताजी सांसें और समय पर पानी कैसे मिल पाता? पानी वो कैसे? साहब इन वृक्षों की बदौलत ही तो ये मौसम होता है और तभी हमारा जीवन संभव हो पाता है। सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो इनकी लकड़ियों के बगैर
हम कुर्सी में चलमारी के लिए लकड़ियां कहां से लाएंगे? उफ, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। देखो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदल के देगा, जिससे कि हम सबको एक नया जीवन मिलता है। ओह, तो ये बात है। कितनी धूप है साहब, गर्मी की धूप में भी इन बेजुबान पशु पक्षियों को और आने जाने वाले राहगीरों को धूप से बचाने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? बात तो तुम ठीक ही कहते हो रामू, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वृक्ष हमारे बहुत ही काम की चीज होती हैं। अच्छा क्या रामू, जो तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब मैं एक पेड़ काटूंगा तो 5 पेड़ लगाऊंगा इस जमीन पर, जिससे कि हमारी प्रकृति और हमारा जीवन सुखमय बना रहे। धन्यवाद रामू। जब रहेगी सुरक्षित हमारी धरा, तभी तो होगा हमारा जीवन हरा भरा। प्रकृति हमारा अनमोल खजाना है। आज से और अभी से हमने ये प्रण ठाना है, जो काटेंगे एक तो लगाएंगे पेड़ 5, तभी हम सबके जीवन पर न आएगी आज। ये संदेश रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। टू मोर इन्फो कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। यार एमके, तू इतना अच्छा है, फिर क्या रीजन है कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो तुम बन जाओ ना। पागल है क्या, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बस यही रीजन है। ओ शट अप यार। For more info, log on to www.radioudaan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udaan, a flight of life. Welcome back. तो दोस्तों, हमने 2-3 गुरुओं के बारे में बात की है, जिन्होंने धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों के साथ ठगी की है। तो इसी विषय में हमारा अगला शख्स या अगला क्रिमिनल, यू कैन कॉल इट, या कल्प्रिट है, उसका नाम है स्वामी नित्यानंदा। स्वामी नित्यानंदा 2-3 साल पहले बहुत पॉपुलर हुए, जब इनकी एक वीडियो क्लिप एक लोकल केबल चैनल ने एयर की, जहां पे वो 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। और उसके बाद ये भी एक बात लीक हुई कि एक पॉपुलर साउथ इंडियन एक्ट्रेस रंजीता, उनको भी बाबा के साथ बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाया गया। वो वीडियोस ऑनलाइन पे, केबल्स पे बहुत प्रचलित थे। तो इन्होंने भी कर्नाटका में अपना आश्रम खोला और लोगों को योग सिखाने का जो है वो स्टार्ट किया, और वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सियली, जैसे स्वामी जो ढोंगी दूसरे हैं उनकी तरह, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं दिस एंड दैट, वो सब कुछ उन्होंने स्टार्ट किया। और लोगों ने जैसे ही इनका जो वीडियो देखा तो पता चला कि हाँ, ये दिस 40-year-old बाबा, जो एक्चुअली बाबा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए अंदर। तो विलेजेस बहुत गुस्सा हो गए और उनको काबू नहीं, मतलब बाबा के आश्रम पे वो पत्थर वगैरह फेंकने लगे, और फिर उनको अरेस्ट करके, और एक 50-55 डेज उनको अरेस्ट किया गया था। अभी वो जेल से बाहर है, मगर उनके ऊपर मुकदमा तो अभी भी चल रहा है। तो इनके पास एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने का पावर है एंड दिस एंड दैट। और ना सिर्फ कर्नाटका में, ये जैसे बिजनेस अपना ब्रांच खोलते हैं, वैसे ये भी अपना ब्रांच खोल रखा है, और उनका दूसरा ब्रांच है लॉस एंजेलिस। तो दिस इज अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग दैट रॉक्ड द
the southern part of India in 2014-15 उस time. और हमारा next presentation है जो है संत रामपाल. तो अटकलें बहुत तेज है कि राम रहीम के बाद अब रामपाल पे भी कुछ होगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनको उनको सजा हो सकती है, ऐसे बहुत सारी अटकलें हैं. हालांकि एक दो केसेस में उनको रिहा भी कर दिया गया, ऐसी भी न्यूज आ रही है. तो रामपाल भी एक बहुत ही पावरफुल संत, दैट इज फेक संत. वो हरियाणा के हैसूर के पास उनका एक आश्रम है और वहाँ पे जब रेड पड़ी तो वहाँ पे बहुत सारा असला मिला. एक्चुअली नवंबर 2014 में उनके आश्रम में 5 लाशें मिली और एक आदमी बुरी अवस्था में घायल था, उसका हॉस्पिटल जाते वक्त निधन हो गया. तो उसके बाद से इस बाबा की करतूतों का भंडा फूट गया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले चीजें सामने आई कि फॉर एग्जांपल ये बाबा अपने आप को संत कबीर का इनकार्नेशन अवतार मानते थे और कभी भी इनके आश्रम के बाहर देखे तो सैकड़ों की तादाद में लोग इनके आश्रम को गार्ड करते थे और कोर्ट का ऑर्डर भी उन्होंने नहीं माना. कोर्ट ने जब उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया तब भी उन्होंने कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया और वो कहते हैं कि उन्होंने अपना होली बुक, जो जैसे हिंदू का गीता होता है, क्रिश्चियन का बाइबल होता है, वैसे उन्होंने अपनी एक किताब अलग बनाई है और उनके भक्तों को ये भी कहा गया है कि आप वो जो क्या बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को आप जला दीजिए. ऐसा वैसे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज उनके ऊपर आने लगी और जब उनके मैं बोल रहा था जब इनका ये रेड पड़ा उनके आश्रम के ऊपर तो बहुत सारा असला पकड़ा गया और बहुत उनकी जैसे बंदूकें बहुत थी और बहुत सारे महिलाओं से जुड़े उनके बहुत सारे कारनामों का भी भंडा फूटा ये. और एक और बात जो बहुत ही तकलीफ देने वाली ये थी कि कुछ भक्त ये कह रहे थे कि ये जो रामपाल है वो अक्सर दूध से स्नान किया करता था और उस दूध से लोगों को उस दूध से बनी हुई खीर वो जो लोगों को प्रसाद के तौर पे देते थे एंड दे से दैट खीर वाज केपेबल ऑफ क्योरिंग मेनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. तो अगले बार जब आप किसी आश्रम में जाएं और आपको प्रसाद में खीर मिले तो दोबार सोच लीजिए कि ये खीर क्या है. Anyways, let us break the monotony and shake a leg with this wonderful, sweet song. Stay tuned to Radio Udaan, a flight of life.
वेलकम बैक। तो दोस्तों, अगर लिस्ट को हम कंटिन्यू करें तो मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि खत्म होने ही वाली नहीं है, तो इसलिए हम इस लिस्ट को तो यहीं खत्म करते हैं। मगर अब बात यह है कि हम बार बार ऐसे लोगों के बहकावों में क्यों आ जाते हैं। Why is it so easy to cheat people who believe in religion or who believe in spirituality? Why are we so gullible to the tricks of these fake fraudsters? हमें क्या करना चाहिए कि इन लोगों की दुकानें बंद हों? क्योंकि ये सीख तो लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब प्रेमानंदा का वर्डिक्ट आया था तब जस्टिस भानुमति ने यही कहा था कि I would like to award the strictest punishment available in law so that the bogus religious practitioners do learn a lesson and do not commit the same mistakes against women and public in general. उस वर्डिक्ट को आए आज कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। मगर प्रेमानंद के बाद आप देख लीजिए कितने लोग, और अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं लिया है, और हमने गुरमीत राम रहीम को डिलिबरेटली छोड़ दिया क्योंकि बहुत सुन चुके हैं हम पिछले कुछ 15-20 दिनों में, एक महीने में या दो महीने बहुत सुन चुके हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है उनके बारे में कि डिस्कस वापस करेंगे तो रेपिटेशन होगा। तो मुझे एज अ पर्सन, एज अ रैशनली थिंकिंग पर्सन, प्लीज डू नॉट मिस्टेक मी, मेरा एम या मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि किसी की स्पिरिचुअल भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को डिलिबरेटली ये कहना कि आप यही करो। मगर एज अ रैशनली थिंकिंग पर्सन मुझे ये लगता है कि हम जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हमारे बाप दादा परदादा जो फॉलो कर रहे हैं, उसे वैसे ही जारी रखें, किसी नए महाराज स्वामी ये वो गुरु इनके बहकावे में ना आके सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी है उन्हीं में जाके हम वर्शिप करें। इंसानों को वर्शिप ना करें, चाहे वो किसी का भी अवतार हो, चाहे कितना भी सच्चा हो। लेट अस नॉट ट्रस्ट देम, बिकॉज द मोर वी ट्रस्ट द बैड द वर्स आवर सिचुएशन बिकम्स। जितना आप विश्वास करो उससे कई ज्यादा आपको घाव मिलते हैं। किसी ने भी आजकल आज तक विश्वास पे खरा उतर के लोगों का भला नहीं किया है। जितना पॉपुलर होता है उसका उतना बड़ा भंडा फूटता है, ये हमने आपने सब लोगों ने जाना है। तो जाते जाते मेरा यही है आपसे निवेदन कि जस्ट फॉलो द रिलीजन दैट यू आर बीन फॉलोइंग, फॉलो द वर्शिप द गॉड्स दैट यू आर बीन वर्शिपिंग, डोंट फॉल फॉर एनी मॉर्टल्स हु क्लेम देमसेल्व्स टू बी गॉड्स और द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। अगर सब लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़ेगी, अगर सब लोग इंसानों को भगवान का दर्जा देने से सब लोग अगर इनकार करेंगे, परहेज करेंगे, तो इनकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू एंड दिस शो एंड लीव यू विद अ नाइस मेलोडियस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी फिर तेरी कहानी याद आई इन द वॉइसेस ऑफ कुमार सानू एंड अलका याग्निक। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अंटिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे।